अभी तक सो रहे हैं। हे भगवान, कैसे आदमी से मैंने शादी कर ली है, इसे पता ही नहीं है कि 15 अगस्त वाले दिन जल्दी उठना होता है और अभी तक सो रहा है। ये कुंभकर्ण तो उठने वाले हैं नहीं, इनको मुझे ही जगाना पड़ेगा। ओ कोको के पापा, कोको के पापा उठ जाओ। ये क्या हो गया? अरे सुबह हो गई है। हाँ तो उठोगे नहीं क्या? दोपहर भी जल्दी हो जाएगी। क्यों, तुम जगोगे नहीं? नहीं, आज मेरी छुट्टी है ऑफिस की। अच्छा जी, तुम्हें पता नहीं है कि आज क्या है? अरे जो भी हो, आज मेरी छुट्टी है। महीने में एक दिन तो मिलता है मुझे रेस्ट का, और तुम सोच रही हो मैं उसमें भी रेस्ट ना करूं? अच्छा जी, साल में एक बार तो 15 अगस्त आती है, उसमें भी तुम्हें सोके बिताना है। और क्या, आज मेरी छुट्टी है और साथ में रेस्ट डे भी। अरे कैसे पति हो तुम, तुम्हें पता है आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था? हाँ तो ठीक है, सब लोग आजाद है, जिसका तो दिल में है वो करे। अच्छा जी, तुम्हारा मतलब है कि सारा दिन सोके बिता लो। और क्या, तुम्हें पता है लाइफ कितनी टिपिकल है? आदमी सुबह उठ के काम पे जाता है और थकार के काम से वापसी आता है, उसे ना तो भूख की याद रहती है और ना ही टाइम की याद रहती है कि रात कब हो गई। बात तो सही है। अरे दिन और साल कैसे बीत रहे हैं ये तो उसे पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, मतलब छुट्टी वाले दिन तो सो जाओ, पर साल में एक दिन आने वाला 15 अगस्त उसको भूल जाओ। अरे भूले नहीं है, याद है। अच्छा तभी तो सो रहे हो। अरे तुम उसे चाहती क्या हो? अरे लोग सुबह उठ के अपने देश का झंडा फहराते हैं और सुबह सुबह परेड देखने जाते हैं। हाँ तो ठीक है, आदमी जब थका रहा होता है वो नींद पूरी करे या 15 अगस्त मनाए। अच्छा तुमने ऐसा किया क्या है जो तुम इतने थके हारे हो रहे हो? अरे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, तुम्हें पता कितना टाइम लग जाता है मुझे, सुबह निकलता हूँ और रात को घर आता हूँ। ये तो तुम रोज करते हो, इसमें नया क्या है? अरे हाँ हाँ, तुम्हें क्या पता आदमी कितनी मेहनत करता है। अरे तुम मेहनत तो अपने फोन में करते हो, मुझे सब पता है। अच्छा जी, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे फोन की हिस्ट्री देखी है मैंने, तुम रात भर जो करते हो ना, मुझे सब पता है। अच्छा जी, तभी मैं कहूँ मेरे फोन की हिस्ट्री कैसे डिलीट हो जाती है। हाँ वो मैं ही थी, मैंने ही डिलीट किया था ताकि तुम्हें याद ना रहे कि तुम कल क्या देख रहे थे। अच्छा, अरे आज 15 अगस्त है, सो रहे हो, बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाओ। औरों के बच्चों को देखो कितने अच्छे से पतंग उड़ा रहे हैं, अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और तुम अपने आप को देखो। अरे पतंग उड़ा के क्या मिलेगा, स्किन जल जाएगी, उंगलियां कट जाएंगी। अच्छा जी, साल में एक बार तो मौका मिलता है, उसमें भी तुम्हें ना उड़ाने के बहाने चाहिए। अरे ये बहाना नहीं, सच्चाई है। अच्छा जी, आज इनका टेस्ट ले लेती हूँ। तो ठीक है तुम सो, मैं जा रही हूँ ऊपर पतंग उड़ाने, पड़ोसा उसकी फ्रेंड आई हुई है। सच्ची में? सब पतंग उड़ा रहे हैं और साथ में पार्टी भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरे यार पड़ोसन आई हुई है, यही मौका है, मार दूंगा चौका। ठीक है मैं छत पे जा रहा हूँ। क्यों, अब क्यों जा रहे हो? अरे आज 15 अगस्त है, पता नहीं क्या तुम्हें? अरे जाके मैं पतंग उड़ाऊंगा छत पे। अभी तक तो बोल रहे थे कि मैं नहीं जा रहा, अब क्या हुआ? अरे हाँ हाँ, हम वो आके बात करेंगे। रुको जरा, तुम्हें तो मैं बताती हूँ।